जाए। देवी और सज्जनों, आज बहुप्रतीक्षित द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड समेत देश के 16 राज्यों की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर विनती करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर कुल 114 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करें। और आइए अब इन 114 परियोजनाओं पर आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक वीडियो फिल्म। 140 करोड़ देशवासी हैं मोदी जी का परिवार, जिनके लिए वे दिन रात बिना थके बिना रुके नेशन फर्स्ट के संकल्प के साथ काम करते हैं। बीते 10 साल सेवा समर्पण और संकल्प के रहे हैं, जिसमें देश ने रिकॉर्ड निवेश के साथ अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। रोड, रेल, एयर, वाटर, हाईवे, हर कनेक्टिविटी को लगातार मजबूत होते देखा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे, हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए। देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग और बेहतर हो, ये मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे सहित 114 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। 29 किलोमीटर लंबा और 8 लेन वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 563 लेन किलोमीटर होगी। इस पर 4 किलोमीटर लंबा 8 लेन टनल, सिंगल पिलर पे 8 लेन फ्लाईओवर, क्रॉस रोड अंडरपास, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर होंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे से IGI एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुरुग्राम होते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से हाई स्पीड कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। 112 परियोजनाओं में शामिल हैं नरेनपुर से पूर्णिया खंड, जिसके लोकार्पण से यहां आवागमन बेहतर होने के साथ ही यहां की उपज जैसे कि मखाना, जूट व मक्का की मंडियों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। चंडीगढ़ रूपनगर मंडी मनाली कॉरिडोर के अंतर्गत कीरतपुर से नेर चौक खंड तक 4 लेन के लोकार्पण से हिमाचल के सेब को पूरे देश की मंडियों तक तेज ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज का भी शिलान्यास आज हो रहा है। इसके पूर्ण होने से बेंगलुरु और विजयवाड़ा के बीच यात्रा की दूरी लगभग 75 किलोमीटर कम हो जाएगी। पूरे देश में विकसित होते इन सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से 21वीं सदी के भारत के लिए मजबूत रोड नेटवर्क तैयार होगा। लोगों की आवाजाही बेहतर होगी, लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, कृषि और उद्योग उत्पादों की नई मंडियों तक तेज पहुंच होगी, पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा, पोर्ट कनेक्टिविटी और बॉर्डर कनेक्टिविटी बेहतर होगी, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे और आर्थिक सामाजिक विकास को बल मिलेगा। सतत विकास, समग्र विकास और सर्वांगीण विकास के लिए लगातार होते ऐसे ही ठोस प्रयासों से तो बनी है मोदी जी की गारंटी। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। अपने वचनों कार्यों से लिख दिया नया इतिहास, जनगण की आशाओं में फिर जगा नया विश्वास, मन वचन कर्म से सदैव
भारतवासियों की सेवा में तत्पर रहने वाले, व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित, संपूर्ण देश को अपना परिवार मानने वाले, भारत को विकास और प्रगति का पर्याय बनाने वाले देश के सर्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करती हूं कि आज के सुअवसर पर अपने सुवचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी, यहाँ के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी श्री नितिन गडकरी जी, राव इंद्रजीत सिंह, किशन पाल गुजर जी, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत जी, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्लियामेंट में मेरे साथी नायब श्री सैनी जी, अन्य सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहा था, आधुनिक टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के द्वारा देश के कोने कोने में लाखों लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। एक जमाना था दिल्ली से विज्ञान भवन से कार्यक्रम होता था, देश जुड़ता था। वक्त बदल चुका है, गुरुग्राम में कार्यक्रम होता है, देश जुड़ जाता है। ये सामर्थ्य हरियाणा दिखा रहा है। देश ने आज आधुनिक कनेक्टिविटी की तरफ एक और बड़ा अहम कदम उठाया है। मुझे खुशी है कि आज मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस एक्सप्रेसवे पर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। आज से दिल्ली हरियाणा के बीच यातायात का अनुभव हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आधुनिक एक्सप्रेसवे केवल गाड़ियों में ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी में भी गियर शिफ्ट करने का काम करेगा। मैं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा की जनता को इस आधुनिक एक्सप्रेसवे के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पहले की सरकारें छोटी सी कोई योजना बनाकर, छोटा सा कार्यक्रम करके उसकी डुगडुगी 5 साल तक पीटते रहते थे। वहीं भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। साल 2024 में ही, यहां के लोग तो ज्यादा समझदार है,
आप सुनिए, 2024 में ही, यानी अभी 2024 का 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, इतने कम समय में अब तक 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया है या तो लोकार्पण हो चुका है। और मैं ये जो कह रहा हूं ना, ये तो मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहा हूं जिनमें मैं खुद शामिल हुआ हूं। उसके सिवाय मेरे मंत्रियों ने, हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो किया वो अलग। और आप देखिए, 5-5 साल में कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, 2014 के पहले का जमाना जरा याद करिए, आज भी यहां एक दिन में देश भर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य हैं, पूर्व में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। आज जो लोकार्पण हुआ है उसमें राजस्थान में अमृतसर, भटिंडा, जामनगर कॉरिडोर की लंबाई 540 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी, बेंगलुरु रिंग रोड के विकास के, वहां ट्रैफिक की मुश्किलें काफी मात्रा में कम होगी, मैं पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, समस्या और संभावना में केवल सोच का फर्क होता है, और समस्याओं को संभावनाओं में बदल देना ये मोदी की गारंटी है। द्वारका एक्सप्रेसवे खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज यहां द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, एक समय शाम ढलने के बाद लोग इधर आने से बचते थे, टैक्सी ड्राइवर भी मना कर देते थे कि इधर नहीं आना है, इस पूरे इलाके को असुरक्षित समझा जाता था, लेकिन आज कई बड़ी कंपनियां यहां आकर अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। ये इलाका एनसीआर के सबसे तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में शामिल हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, इससे एनसीआर का इंटीग्रेशन बेहतर होगा, यहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गति मिलेगी। और साथियों,
द्वारका एक्सप्रेसवे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा तो एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। पूरे पश्चिमी भारत में ये कॉरिडोर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट को एक नई एनर्जी देने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में हरियाणा सरकार और विशेषकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी जो तत्परता रही है, मैं आज इसकी भी सराहना करूंगा। हरियाणा के विकास के लिए जिस तरह मनोहर लाल जी दिन रात काम करते रहे हैं, उसने राज्य में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं, दरी पर सोने का जमाना था तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में आए मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। विकसित हरियाणा विकसित भारत के मूल मंत्र को हरियाणा की राज्य सरकार मनोहर जी के नेतृत्व में निरंतर सशक्त कर रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, ये बड़े लक्ष्यों का भारत है। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। और आप लोगों ने अब मुझे भली भांति जाना भी है, पहचाना भी है, समझा भी है। आपने देखा होगा, न मैं छोटा सोच सकता हूं, न मैं मामूली सपने देखता हूं, न ही मैं मामूली संकल्प करता हूं। मुझे जो भी करना है विराट चाहिए, विशाल चाहिए, तेज गति से चाहिए, इसलिए कि मुझे 2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत के रूप में देखना है। दोस्त, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटे रहना है जी। साथियों, इसी रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमने दिल्ली एनसीआर में होलिस्टिक विजन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। हमने बड़े प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने का टारगेट रखा। ये द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, ऐसे अनेक बड़े प्रोजेक्ट्स हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। और कोविड के 2 साल के संकट के बीच देश को इतनी तेजी से हम आगे बढ़ा पाए हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 10 वर्षों में
230 किलोमीटर से ज्यादा नई मेट्रो लाइनें शुरू हुई है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। डीएनडी सोहनास पर जैसी परियोजनाएं भी निर्माण के अंतिम चरण में है। इन परियोजनाओं से यातायात तो आसान होगा ही, साथ ही दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण की समस्या में भी कमी आएगी। साथियों, विकसित होते भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और देश में कम होती गरीबी, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब एक्सप्रेसवे ग्रामीण इलाकों से होकर जाते हैं, जब गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ा जाता है, तो गांव में अनेक नए अवसर लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। पहले गांव के लोग कोई भी नया अवसर खोजने शहर तक चले जाते थे, लेकिन अब सस्ते डेटा और कनेक्टिविटी के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण गांवों में ही नई संभावनाओं का जन्म हो रहा है। जब अस्पताल, शौचालय, नल से जल और घरों का रिकॉर्ड गति से निर्माण होता है, तो सबसे गरीब को भी देश के विकास का लाभ मिलता है। जब कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हैं, तो इससे नौजवानों को प्रगति की संभावना अनगिनत अवसर लेकर के आती है। ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं, और लोगों की इसी प्रगति की शक्ति से हम 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश में तेजी से हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम भारत को उतनी ही तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बनाएगा, और इससे उतने ही ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के भी मौके बनेंगे। इस स्केल के इंफ्रा को बनाने में, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। सीमेंट, स्टील जैसे उद्योगों को बल मिलता है, वहां भी बड़ी संख्या में युवा काम करते हैं। इन्हीं एक्सप्रेसवे के किनारे आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, नई कंपनियां, नई फैक्ट्रियां स्किल युवाओं के लिए लाखों रोजगार लेकर के आ रही है। इसके अलावा अच्छी सड़कों के होने से टू व्हीलर और फोर व्हीलर इंडस्ट्री को भी गति मिलती है। इससे साफ है कि आज युवाओं को रोजगार के कितने नए अवसर मिल रहे हैं, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितनी ताकत मिल रही है। साथियों, देश में लाखों करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों से सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को है तो वो है
कांग्रेस और उसके गमंडिया गठबंधन उनकी नींद हराम हो गई है। इतने सारे विकास के काम और वह एक की बात कर रहे हैं तो मोदी 10 और कर देता है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या इतनी तेजी से काम भी हो सकते हैं क्या। और इसलिए अब विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की उनकी ताकत बची रही है और इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मोदी चुनाव की वजह से लाखों करोड़ रुपयों के काम कर रहा है। 10 वर्षों में देश इतना बदल गया लेकिन कांग्रेस और उसके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला है। इनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। नेगेटिविटी और केवल नेगेटिविटी, यही कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों का चरित्र बन गया है। ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी घोषणाओं की सरकार चलाते थे। इन्होंने 2006 में नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 1000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये लोग घोषणा कर करके घोंसले में घुस गए, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की बातें 2008 में की गई थी, लेकिन इसे पूरा हमारी सरकार ने 2018 में किया। द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड का काम भी 20 वर्षों से लटका था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने सभी मुद्दों को सुलझाया और हर प्रोजेक्ट को पूरा भी किया। आज हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसे समय पर पूरा करने के लिए भी उतनी ही मेहनत करती है। और तब हम ये नहीं देखते हैं कि चुनाव है या नहीं। आज आप देख लीजिए, देश के गांवों को लाखों किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के छोटे शहरों तक में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। चाहे चुनाव हो या ना हो, आज देश के गांव-गांव तक सड़कों का निर्माण किया गया है। चाहे चुनाव हो या ना हो, हम टैक्स पेयर के एक एक पैसे की कीमत जानते हैं और यही कारण है कि हमने योजनाओं को तय बजट और तय समय में पूरा किया है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणा चुनाव जीतने के लिए होती थी, अब चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम पूरे होने की बात होती है। यही नया भारत है। पहले डिले होते थे, अब डिलीवरी होती है। पहले विलंब होता था, अब विकास होता है। आज हम देश में 9000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसमें से करीब 4000 किलोमीटर हाई स्पीड कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2014 तक सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, आज 21 शहरों में मेट्रो की सुविधा है। इन कामों के पीछे लंबी प्लानिंग लगती है, दिन रात की मेहनत लगती है। ये काम
विकास के विजन से होते हैं। ये काम तब होते हैं जब नीयत सही होती है। अगले 5 वर्षों में विकास की ये गति और कई गुना तेज होगी। कांग्रेस ने 7 दशक तक जो गड्ढे खोदे थे वो अब तेजी से भरे जा रहे हैं। अगले 5 वर्ष अपनी इस नींव पर बुलंद इमारत बनाने का काम होने वाला है और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आप सभी को इस विकास के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप मेरा सपना है 2047 तक हमारा देश विकसित होकर रहना चाहिए। आप सहमत हैं? देश विकसित होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमारा हरियाणा विकसित होना चाहिए? ये हमारा गुरुग्राम विकसित होना चाहिए? ये हमारा मानेसर विकसित होना चाहिए? हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होना चाहिए? हिंदुस्तान का गांव गांव विकसित होना चाहिए? तो विकास के उस उत्सव के लिए आइए मेरे साथ, अपने मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और ये विकास के उत्सव को इनवाइट कीजिए। आप चारों तरफ, मंच पर भी मोबाइल फोन वाले जरा, चारों तरफ जिन जिन के पास मोबाइल है, हर एक के मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट चले। इस विकास का उत्सव है ये, विकास का संकल्प है ये आपकी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करने का संकल्प है, जी जान से जुटने का संकल्प है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। देश को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कुल 114 परियोजनाओं की सौगात जो है वो देशवासियों को मिली है। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है। मुझे जो चाहिए, विराट चाहिए, बड़ा चाहिए, पीएम ने कहा। देश में लाखों करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं। 114 परियोजनाओं की सौगात आज पीएम मोदी ने दी है, तो आज देशवासियों को एक बड़ी सौगात मिल गई है। देश में लाखों करोड़ों के विकास कार्य हो रहे हैं, तो द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन आज किया गया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा कि उनको समझ नहीं आता इतनी तेजी से कैसे काम हो रहा है। विकास की बात पर वो चर्चा नहीं कर सकते हैं, तो निशाना साधते हुए नजर आए। कहा, हमने योजनाओं को तय समय में पूरा किया, हमने योजनाओं को तय बजट में पूरा किया। देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। कुल 114 परियोजनाओं की सौगात आज मिली है। 21वीं सदी का भारत बड़े विजन का भारत है, पीएम ने कहा।